तो सुनने के बाद द एंटायर बैच वाज शिफ्टेड टू पंडित शांतनु भट्टाचार्य जी, मेरे गुरुजी के सीनियर डिसाइपल शांतनु दादा, उनके पास मैं सीखना शुरू किया और उनके साथ मेरा 5 साल रिगोरस ट्रेनिंग हुआ। तो और एकदम ख्याल गाने का जो एक गायकी और ख्याल गाने का जो एक जिसको बोलता है कि फॉर्म, वो मुझे शांतनु दादा से सीखने को मिला, क्योंकि तब मैं भी थोड़ा थोड़ा मतलब उम्र में बड़ा हो रहा था और शांतनु दादा तब बहुत अच्छा गा रहे थे, तो बहुत इंस्पायर्ड भी हुआ मैंने सामने से देखकर। हाँ, और वो जो एज है क्लास 7, 8, 6, 7 दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ बॉय लाइक टीनेजर। उनके एक रोल मॉडल बनाने का एक आदत मतलब एक टेंडेंसी रहता है, और उस उम्र में शांतनु दादा वाज लाइक दैट फॉर मी, और उन्होंने इतना प्यार से मुझे सिखाया। फिर 5 साल उनके पास सीखने के बाद, और बीच बीच में मैं गुरुजी के पास जाते रहे, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि तुम आओगे बीच बीच में सुनाना कैसे रियाज चल रहा है। तो कभी 4 महीने 5 महीने 6 महीने बाद जब गुरुजी का टाइम मिलता था एक बार जाते थे, थोड़ा सुनाना 10 मिनट सुनाया, अच्छा ये ठीक करना वो ठीक करना करके करके आते थे। तो फिर इन 2000 तब नया मिलेनियम शुरू हो रहा था, एक बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा था तब, और वो ऑर्गेनाइज करने का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था गुरुजी के ऊपर। तो दैट वाज 1 जनवरी 2000। ओके, तो दिन भर का कॉन्सर्ट यहाँ पर नजरुल मंच करके एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पर गाना हो रहा था। फर्स्ट हाफ में यंग म्यूजिशियंस, बच्चे जो गा रहे हैं उनका गाना था, और सेकेंड हाफ में सभी बंगाल का सभी बड़ा कलाकार तो उनका प्रोग्राम था, बांगो सम्मेलन, द नेम वाज बांगो सम्मेलन, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू मिलेनियम, न्यू 2000 एरा। तो वहाँ पर गुरुजी मुझे गाने के लिए बोला, तब मैं शांतनु दादा के पास ही सीख रहा था। तो वहाँ पर हम लोग 4 गाए थे हैं। तो फर्स्ट था प्रतीक श्रीवास्तव, वो अभी बहुत अच्छा बजाता है प्रतीक भाई, वो छोटे हैं मुझसे बहुत। तो प्रतीक का सरोद था विजयदित्य मुखर्जी, जो कि बुधादित्य मुखर्जी जी का लड़का है, उनका सितार था, मेरा गाना था, और कौशिकी दीदी का गाना था। कौशिकी दीदी तब जूनियर में गा रही थी। तो उसमें गुरुजी मुझे बोला कि तुम गाओ, एंड आई वाज द ओनली पार्टिसिपेंट इन दैट सेगमेंट कि हु इज कमिंग फ्रॉम ए नॉन म्यूजिकल फैमिली बैकग्राउंड। प्रतीक के दादाजी, उनके माँ, उनके चाचा जी सब लोग म्यूजिशियंस है, विजयादित्य, कौशिकी दीदी को तो आप जानते हैं। तो मेरा वहाँ पर गाना हुआ, और गाने के बाद सब आप सबके प्यार से बहुत मतलब प्यार मिला। सब छोटे थे एकदम, 14-15 साल मेरा उम्र था, हाँ वैसा ही कुछ 15-16 साल मेरा उम्र था। तो फिर जाके ग्रीन रूम में आया, तब गुरुजी ने हमको बोला कि अब से तुम मेरे पास सीखना। तो दैट वाज लाइक अ ड्रीम कि गुरुजी ने बोला कि तुम मेरे पास सीखो। तो इसका एक आनंद भी था और एक दुख भी था, क्योंकि दुख क्या था, तब शांतनु दादा वाज माय रोल मॉडल। तो शांतनु दादा के पास इतना अटैचमेंट मेरा था। फिर वहाँ से गुरुजी के पास आ रहा हूँ, उसका आनंद है, लेकिन अभी शांतनु दादा के पास रेगुलर नहीं जाना होगा, तो उसका भी एक दुख है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। फिर गुरुजी ने शांतनु दादा को बताया कि अभी इसको मैं देखूँगा। तो तब से गुरुजी के पास मेरा सीखना शुरू हुआ। सो इट्स ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हम गुरुजी के साथ रह के सीखने का कोशिश कर रहे हैं, और गुरुजी के साथ दुनिया भर में घूमने का मौका गुरुजी ने दिया, उनके साथ रहने का, और दैट इज़ रियली आई वुड से माई गुड फॉर्चून कि इतना गुरुजी जैसे एक इंसान, इनके साथ रह के सीखना, इनके साथ घूम के सीखना, एक साथ सो के, एक साथ खा के। सो दैट इज़ वेरी स्पेशल, एंड इट changed my mind setup कि नहीं मुझे अभी करना जो है वो गाना ही करना है और म्यूजिक प्रोफेशन ही करना। मेरा एकेडमिक करियर भी बहुत बुरा नहीं था, अच्छा ही था, लोग मतलब अच्छा ही बोलते थे। तो उस समय इट वाज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर बॉय हु इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम म्यूजिशियंस फैमिली कि कोई नौकरी वोकरी नहीं करेगा, गाना करेगा। तो लेकिन मेरा पेरेंट्स का ऑलवेज सपोर्ट था बिकॉज दे लव्ड म्यूजिक लाइक एनीथिंग। मेरे पिताजी ने बताया कि मेरा जॉइंट एंट्रेंस में चांस हुआ इंजीनियरिंग में, तो तब एक सिचुएशन हो रहा है कि क्या करे क्या करे, सब बोल रहे कि नहीं रैंक हुआ है तो इंजीनियरिंग पढ़ो। लेकिन तब तक मुझे म्यूज़िक का प्यार मतलब बहुत गहरी तरह हो गया था। तो मैंने बताया कि नहीं मुझे करना है तो म्यूज़िक करेंगे। तो पिताजी ने तब बोला देखो आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाँ जितना दिन मैं जिंदा हूँ तुमको थोड़ा दाल चावल का चिंता करने का जरूरत नहीं, आई कैन फीड यू अप जितना दिन मैं जिंदा हूँ। लेकिन तुम अगर गाना करना चाहते हो तो उसको सीरियसली करो, कभी ऐसा ना दिन आए कि तुम सोचो कि नहीं अगर और थोड़ा सीरियसली करते तो और अच्छा होता, ऐसा ना हो। ऐसे सोचो, ऐसे मेहनत करो। और एक चीज़ मैं बोलूँगा मेरे पिताजी और माताजी के बारे में कि जब से मैंने गुरुजी के पास गया या शांतनु दादा के पास जब मैं सीख रहा था तो उन्होंने हमको घर में यही बोला था कि उन्होंने शांतनु दादा या गुरुजी जब जिनके पास मैंने सीखा वो जो बोल रहे हैं उसके ऊपर कभी क्वेश्चन मत करना। एग्जैक्टली सही बोल रहे गलत बोल रहे ये विचार करने का तुम्हारा हक नहीं बनता है। उन्होंने जो बोला अगर तुम जिंदा हो तो करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। ये पिताजी ने मुझे बताया था, माताजी ने मुझे बताया था कि गुरुजी को दे दिया तुमको, अभी वो जो बोलेगा वो अगर जिंदा रखेंगे जिंदा रहो, अगर मार डालेंगे तो हमें कुछ बोलना नहीं, बहुत बढ़िया। ये चीज़ पिताजी माताजी हर वक्त घर में मुझे बताए और उससे एक शक्ति भी मुझे मिला कि नहीं गुरुजी का बात मानना है, करना है। और फिर गुरुजी को क्या बोले कि जिंदगी का एक 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 पहलू उनसे सीखा मैंने। मैं तो गांव का लड़का था, फिर कलकत्ता आया, गुरुजी ने बताया कि कलकत्ता आना पड़ेगा, कलकत्ता नहीं रहने से कुछ नहीं होगा। मेरे पिताजी से बात किया, मेरे पिताजी एंड गुरुजी दे वर क्लासमेट्स, दे यूज्ड टू रीड टुगेदर इन स्कूल्स, स्टडी टुगेदर। सो गुरुजी ने पिताजी को बताया देखो तुमको कलकत्ता में कुछ मकान वगैरह या फ्लैट वगैरह खरीदने का सोचना है बिकॉज इफ ही इज गोइंग टू टेक म्यूजिक एज प्रोफेशन ही विल हैव टू स्टे एट कोलकाता। तो कलकत्ता आया तो कलकत्ता का रीत रिवाज कुछ नहीं मालूम था, लेकिन गुरुजी के साथ रह रहा हूँ और उन्होंने सिखाया कि रेस्टोरेंट में चाइनीज़ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्या होता है, स्टार्टर क्या होता है, मेन कोर्स क्या होता है, डेजर्ट क्या होता है, ये गुरुजी के साथ मैंने सीखा। गुरुजी ने लेकर गया रेस्टोरेंट में, देखो ये है स्टार्टर, ये इसमें ये आता है, इसके बाद मेन कोर्स ये होता है। तो जितना भी बोले गाना तो सब कुछ जितना मुझे आता है सब उनका ही देन है, लेकिन फिर जिंदगी कैसे बातें करना है, कैसे लोगों से मिलना होता है, कैसे सिखाना होता है, हाँ कैसे गुरुओं से बात करना है, गुरु मतलब जो गुरु जैसे लोग हैं उनसे कैसे मिलना है, कैसे तुम्हारे स्टूडेंट से मिलना है, कैसे तुम्हारे म्यूजिकल दोस्तों से मिलना है, कैसे तुम्हारे चाहने वाले को मिलना है कि म्यूजिक जो फैंस है तुम्हारे उनसे कैसे मिलना है, कैसे तुमको प्रेस में मिलना है, ये सब गुरुजी ने पॉइंट करके बताया कि देखो ये चीज़। और गुरुजी ने बताया हमको कि गाना गा के लोगों के दिल में एक प्यार की जगह बनाने के लिए अच्छा गाना ये बाकी 50 गुणों में से एक है। बेशक अच्छा गाना तो गाना पड़ेगा, उसके साथ 49 और क्वालिटीज अगर सही रहे देन ओनली यू कैन मेक अ प्लेस इन लिसनर्स हार्ट। तो ये सब कुछ गुरुजी से मिला मैंने, आई लर्न लाइफ फ्रॉम गुरुजी। तो ये मेरा बहुत सौभाग्य है, उनकी कृपा है, भगवान की कृपा है कि ये मुझे अभी तक ये ब्लेसिंग्स मिलते जा रहे हैं गुरुजी के साथ। वही प्यार का संपर्क, वो मुझे बड़ा बेटा ऐसा ही समझते हैं और मतलब बोलते भी हैं कि ये मेरा बड़ा बेटा है। तो ये सब बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। तो ये मेरा लाइफ जर्नी रहा म्यूज़िक, और इसके साथ जो एक बहुत स्पेशल थिंग ऐड हुआ मेरे लाइफ में, दैट इज़ श्रुतिनंदन।